नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई कुछ मूवीज को, जो शुरुआत से लेकर अंत तक आपके दिमाग के साथ खेलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है यू यारी। साल 2019 में रिलीज हुई ये एक मलयालम लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 8/10 की रेटिंग मिली हुई है। और मूवी के लीड रोल में आपको टॉविन थॉमस, आसिफ अली और के मेनन के साथ और भी साथी कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी की कहानी है एक पल्लवी नाम की लड़की के बारे में, जो की बचपन से ही पायलट बनना चाहती है। लेकिन पल्लवी की लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाती है जब उसका साइको प्रेमी गोविंद उसके ऊपर एसिड अटैक कर देता है, जिस कारण पल्लवी का चेहरे का एक भाग पूरी तरह से जल जाता है और उसका पायलट बनने का सपना भी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उस अटैक के बाद पल्लवी को एक आंख से दिखना कम हो जाता है। अब क्या पल्लवी इन सभी मुसीबतों के बाद भी पायलट बन पाएगी या नहीं। फिल्म काफी शानदार है, जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मूवी में ड्रामा के साथ ट्विस्ट भी है, जो इस कहानी को शानदार बनाता है। तो आपको ये मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है शेरदिल द पीलीभीत सागा। इसी साल 2022 में रिलीज हुई ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। मूवी के लीड रोल में आपको पंकज त्रिपाठी, नीरज काबी और भी साथी कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी की कहानी है गंगाराम नाम के आदमी पर, जो कि अपने गांव का सरपंच है। वो अपनी गांव की समस्या को हल करने के लिए एक सरकारी कार्यालय में जाते हैं। उनके गांव की मुख्य दो समस्या है, एक जंगली जानवरों का खेतों पर हमला और दूसरी है खाने की समस्या। गंगाराम जब कार्यालय में अपनी समस्या को सुनाकर वापस बाहर आते हैं, तब उनकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर लगी सूचना पर जाती है। सूचना में लिखा था कि अगर कोई आदमी बाघ अभयारण्य के पास बाघ का शिकार बन जाता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंगाराम सोचता है कि क्यों न जंगल में जाकर बाघ का शिकार बना जाए, ताकि उसके बदले गांव वालों को 10 लाख रुपए मिल जाए। गंगाराम जंगल में बाघ का शिकार बनने जाता है, लेकिन वहां पे उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। उन दोनों के बीच एक डील होती है, जो कि फिल्म की कहानी को एक नया ही ट्विस्ट देती है। तो क्या है वो ट्विस्ट और गंगाराम क्या बाघ का शिकार बनेगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। फिल्म की कहानी काफी अच्छी है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी की नेचुरल एक्टिंग, जो कि आपको इम्प्रेस करे। इस मूवी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जल्दी से जाइए और एंजॉय कीजिए। मारने जंगल गए थे हम, बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए थे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है जन गण मन। इसी साल रिलीज होने वाली ये एक मलयालम लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 8.3/10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी के लीड रोल में आपको पृथ्वीराज, श्रीदिव्या और ममता के साथ और भी साथी कलाकार देखने को मिलेंगे। बात करें मूवी की कहानी की, तो कहानी में एक कॉलेज दिखाया गया है। उस कॉलेज के एक प्रोफेसर का किसी ने रेप कर उसका मर्डर कर दिया है। अब दूसरी तरफ एक पुलिस वाला इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और तीसरी तरफ एक वकील कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर रहा है। आखिर किसने इस प्रोफेसर की हत्या की और क्या वो पुलिस वाला इस हत्यारे को ढूंढ पाएगा या नहीं। भाई सही में कहूं तो ये मूवी काफी ज्यादा जबरदस्त है। ये मूवी आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हिला कर रख देगी। मूवी का क्लाइमेक्स देखकर तो आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। ये मूवी हिंदी में ही YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से अवेलेबल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। पहले नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है चुप। इसी साल 2022 में रिलीज हुई ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2/10। इस मूवी के लीड रोल में आपको सनी देओल, दुलकर सलमान, अमिताभ बच्चन और भी साथी कलाकार देखने को मिलेंगे। बात करें मूवी की कहानी की, तो कहानी में एक डैनी नाम का आदमी है, जिसे फिल्म में देखना बहुत पसंद है। एक तरह से कहे तो डैनी फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई क्रिटिक्स फिल्म की निंदा कर देता है तो डैनी उसे जान से मारने के लिए पहुंच जाता है। शहर में एक के बाद एक फिल्म क्रिटिक्स की हत्या हो रही है, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल चुकी है। इस मर्डर केस को सुलझाने का काम इंस्पेक्टर अरविंद को दिया जाता है। अब हमारे सनी देओल इस साइको किलर को कैसे पकड़ते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस मूवी की कहानी दूसरी मूवी से काफी अलग है, जो इस फिल्म को काफी दिलचस्प बनाती है। फिल्म में आपको जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलेगा। इस मूवी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। क्या देता है सोने की घड़ी। मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरने लगा।